Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about amylinum nitrosum. So amylinum nitrosum ये remedy है, इसको हम लोग commonly amyl nitrate के नाम से भी जानते हैं. So we are going to study this remedy from Allen keynote and it can be asked for 5 marks for third year and final year students, like fourth year के students को ये बहुत repeatedly पूछी जाती है ये remedy. ठीक है, so इसके common name देखते हैं, nitrate of amyl. फिर इनके प्रूवर है टी एफ एलन एंड ये उनका फॉर्मूला रहा. सो फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट दिस एंड दिस यू हैव टू कीप इन माइंड फुल नेम. एक कॉन्स्टिट्यूशनली, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज सूटेड टू नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज. मतलब नर्वस वुमेन्स रहेंगे, कौन से भी एज ग्रुप के वुमेन्स आफ्टर उनका मतलब प्यूबर्टी होने के बाद उनके जो भी कोई सिम्टम्स है उनको सूट करती है. बट स्पेशली कब कब ज्यादा सूट करती है रेमेडी या फिर कब बहुत प्रोमिनेंटली एग्जैक्टली सूट करती है रेमेडी, तो जो भी फीमेल्स मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं एंड जिनका मेनोपॉज हो चुका है ऑलरेडी, तो उन दोन मेन वुमेन्स को ये बहुत अच्छे से सूट करती है रेमेडी. फिजिकल जनरल्स, सो फिजिकली ऑफन पैलेटिव इन इनक्यूरेबल केसेस. मतलब ये रेमेडी पैलेटिव्स का एक्शन करती है बहुत सारे केसेस में. कौन से केसेस में, जो कि है ना क्योर ही नहीं है, जिसको पैथोलॉजी डेड एंड पैथोलॉजी है उसकी, तो उनको जब भी क्योर नहीं मिलता है तो ये रेमेडी उनमें एक्शन में आ सकती है. केसेस वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स यूस्टेशिया. सो मोर ओवरली कैसे होता है ना, कैंसर हो गया तो है ना कैंसर से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. इतनी तकलीफ होती है कि लोग बोलते हैं मुझे मरना पसंद करूंगी मैं, या फिर कोई भी और पेशेंट होगा, मरना पसंद करूंगी मैं, लेकिन ये तकलीफ मुझे नहीं चाहिए. कीमोथेरेपी की तकलीफ मुझे चाहिए ही नहीं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, आप मुझे ऐसा मरने का इंजेक्शन दे दो डॉक्टर प्लीज. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर फीमेल्स और मेल्स और द पेशेंट इज आस्किंग यू कि लेट मी डाई और गिव मी समथिंग एंड किल मी, जस्ट किल मी, तो सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है जस्ट ड्यू टू द पेन. तो उन लोगों में ये बहुत अच्छे से सूट करती है. क्रेव्स फॉर फ्रेश एयर. ओपन क्लोदिंग रिमूव्स बेड कवरिंग एंड ओपन विंडोज इन द क्लोजेस्ट वेदर. मतलब कैसे की है ना, कोल्डेस्ट वेदर, मतलब कैसे की है ना, इनको ना फ्रेश एयर चाहिए, मतलब कुछ भी उनको ऐसे ठंडा ना ऐसे चाहिए ही चाहिए साथ में, मतलब ऐसे बैठे हैं, दे वांट समथिंग टू यू नो, ठंडा होना ही चाहिए, उनको लगना ही चाहिए ठंडा, हवा आनी ही चाहिए, फैन लगा दो, खिड़कियां दरवाजे खोल दो, लेकिन हवा आनी चाहिए, खुली हवा आनी ही चाहिए. कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स. Impossible to satisfy the desire, would seize the bed and call the help to stretch. मतलब कैसे रहता है कि है ना, आप अगर है ना नींद से उठते हो तो आप है ना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हो ना, मतलब आलस वाला स्ट्रेचिंग रहता है, जो स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारे मसल सारे रिलैक्स हो जाते हैं और है ना हमें अच्छा लगता है सुबह सुबह. तो है ना दिस पेशेंट्स आर लाइक कि है ना बहुत आलस करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद उनका डिजायर खत्म ही नहीं होगा स्ट्रेचिंग का, उनको वो स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, बार बार स्ट्रेचिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको नींद आएगी ही आएगी. और है ना इतना स्ट्रेचिंग करने के बाद ना उनकी शरीर अकड़ जाती है, तो है ना किसी को बुलाना पड़ता है वो शरीर अकड़ा हुआ निकालने के लिए. ऐसे टाइप के लोग रहते हैं. प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉनिंग, बहुत यॉनिंग, बहुत आलसी लोग जैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो आलसी लोग बहुत रहते हैं ये. सी सिकनेस इनमें बहुत कॉमनली सीन होती है. हेड हेमिक्रेनिया स्पेशली व्हेन अफिलेटेड साइड इज पैलिड. मतलब पेल कलर है जहां पे उनको हेडेक हो रहा है, मतलब जहां पे भी उनको तकलीफ हो रही है सिर में, तो वो साइड का फेस या फिर वो साइड का कान वगैरह बहुत ज्यादा पेल रहता है दूसरे साइड से. मतलब अगर मुझे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है तो लेफ्ट फेस मेरा बहुत ज्यादा पेल लगेगा, उसकी कान आंख सब कुछ पेल लगेगा, उसका चिक्स मेरा पेल लगेगा. ऐसे फेस फ्लशेस एट द स्लाइटेस्ट इमोशन. मतलब कोई भी इमोशंस होने दो, गुस्सा आया पूरा लाल चेहरा हो गया, पूरा रेड 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 एकदम दिखाई दे रहा है, कुछ अगर ठंडी हवा लग गई
तो पूरा अर्टिकेलिया जैसे पिंकिश रैशेस आ गए, या फिर बहुत ठंडी लग गई तो वो ठंडी की वजह से पिंक पिंक चेहरा हो गया, या फिर है ना ब्लशिंग कर रहा है तो जल्दी से है ना ब्लश का ना जो साइड ऊपर का जो है ना चिक रहता है तो है ना वहां पे आपको पिंकिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो है ना ऐसे सब कुछ बहुत इमोशंस उनके ना फेस पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, पूरा फ्लश हो जाता है फेस उनका, ब्लड से भरा होता है उनका फेस। ब्लशिंग क्रॉनिक और एक्यूट, जैसे मैंने आपको अभी बोला। नेक कॉलर सीम्स टू बी टाइट, मस्ट लूजन इट, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मैं नेक के अराउंड कुछ पेन लिया तो नहीं यार निकाल दो ये, नहीं 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 चाहिए नहीं मुझे, ऐसे बोलते हैं वो पेशेंट, ये गले के साइड में मुझे कुछ चाहिए नहीं, निकाल दो गले के साइड से कुछ भी, सो दे डोंट वॉन्ट एनीथिंग एट द कॉलर। कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम रैपिडली डायलेट्स द आर्टरीज एंड एक्सेलरेट्स बट द लेटर वीकेंड्स एंड रिटार्ड्स द पल्स, मतलब बहुत ज़्यादा रश ऑफ ब्लड रहता है तो कैरोटिड क्या पैल्पेट करती है, कैरोटिड आर्टरी बहुत ज़्यादा पैल्पेट करेगी, कैरोटिड आर्टरी के आजू बाजू थोड़ा बहुत पेन रहेगा, हार्ट के ना इतना मतलब रश ऑफ ब्लड बहुत रहता है तो है ना हाइपर टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वेन्स में, सो ना उसकी वजह से क्या होगा तो है ना पल्स पे अफेक्ट होगा, फिर है ना ब्लड फ्लो पे अफेक्ट होगा, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हैपेंस। उसके बाद इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द फेस एंड हेड, मतलब इतना रश ऑफ ब्लड रहेगा, रश ऑफ ब्लड इसके फेस में नाक नोज टिप में रहेगा, बहुत नोज टिप रेड रहेगी, उनके कान रेड रहेंगे, अपर साइड ऑफ ईयर बहुत ज़्यादा रेड रेड रहेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस, सो एंजाइना पेक्टोरिस पेन बहुत रहता है चेस्ट में पेन रहेगा, फिर चेस्ट में पैल्पिटेशंस रहेंगे, बहुत सीवियर पैल्पिटेशंस रहेंगे, जैसे कि अभी ना हार्ट अटैक आ रहा है, एक तो एंजाइना पेक्टोरिस है मतलब पेन है, ऊपर से पैल्पिटेशन है, दे विल फील सो स्ट्रांगली दोज थिंग्स, मतलब इतना वो बोलेंगे कि ना आई एम फीलिंग समथिंग वेरी स्ट्रांगली इन माई चेस्ट, इन माई यू नो आई कैन टेक अ ब्रेथ, आई कैन यू नो आई एम गेटिंग पैल्पिटेशन, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इट्स वेरी मच पेनफुल, इट्स ब्लाइंड ब्ला, ये सारी चीज़ें ये लोग बोलेंगे। प्यूपरल कन्वर्जेंस इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा फीमेल्स को कन्वर्जेंस आ सकते हैं। फीवर में फ्लशिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फेस, मतलब फ्लशिंग फ्लश ऑफ ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम फेस, स्टमक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉलोड बाई स्वेटिंग, मतलब फ्लशिंग के बाद क्या क्या होता है तो स्वेटिंग होता है, ऑफन हॉट, प्रोफ्यूज, एब्रप्टली लिमिटेड पार्ट्स बिलो आईसी कोल्ड, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है कि जब भी फ्लशिंग होती है तो फेस पे, हेड पे, स्टमक पे फ्लशिंग रहेगी, लेकिन बाकी के जो पार्ट्स है वो ठंडे रहेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडे रहेंगे, आइसी कोल्ड रहेगा, नीचे का जो पूरा पार्ट है वो आइसी कोल्ड रहेगा, या फिर जो भी थोड़ा सा ऐसे रिकामा रह गया है पार्ट अदर देन द हॉट फ्लशेस, सो वो पार्ट पूरा का पूरा ऐसे पेल भी लगेगा और ठंडा भी लगेगा। एग्रीवेशन इज mentals and physical exertion, aggravation by mentally and physical exertion के बाद मतलब है ना बहुत सारे अगर exertion कर लिया, exercise कर लिया या फिर कुछ भी काम घर के छोटे मोटे भी कर लिए तो उनको exertion feel होगा ही, तो mental exertion also they'll feel and physical exertion also they'll feel, तो relationship is with similar to belladonna, cactus, coca, ferium, glonium and lachesis, so इन सबको similar remedy रहेगी। सो ये जो सारे नोट्स है ना आई विल नॉट रीड आउट दिस बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क इन एनी एग्जाम, सो जस्ट कीप इन माइंड ये सारा चीज, ये सारा पार्ट, ठीक है। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज टूडेज लेक्चर ऑफ अमाइल नाइट्रेट, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड टिल देन बाई।